देख सकते हैं हमने पूरा बता दिया कंट्रोल के लिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विशास्त्र कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं ए कंट्रोल ए से लेकर जेड तक शॉर्टकट की का यूज़ क्या होता है। बहुत लोग का कमेंट आया था, जैसे सौरभ कमेंट किए थे, आदित्य कमेंट किए थे, आकाश, बहुत स्टूडेंट कमेंट किए थे सर एमएस ऑफिस में कंट्रोल ए से लेकर जेड तक शॉर्टकट की का यूज़ क्या होता है, आप उस पर एक वीडियो बना दीजिए। तो आप लोग के लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ कंट्रोल ए से लेकर जेड तक का यूज़ क्या होता है। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एमएस ऑफिस को ओपन कैसे करते हैं। एमएस ऑफिस से वर्ड को सबसे पहले आप क्या करेंगे, विंडो आर करेंगे। विंडो आर करने पर आप यहाँ पर देखेंगे रन कमांड ओपन होगा। यहाँ पर आप सिर्फ क्या लिखेंगे, बीन वर्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बीन वर्ड। यहाँ पर देखिए लिखने पर आ जाता है, तो बीन वर्ड लिखेंगे तो यहाँ पर आपका ओपन हो जाएगा एमएस ऑफिस वर्ड। जब भी ओपन होगा तो आप कहीं कहीं पर डायरेक्ट ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, क्योंकि ये न्यू वाला है एमएस ऑफिस वर्ड। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर, तो यहाँ पर आपके सामने देख रहे हैं यहाँ पर आ गया, ये पेज आ गया। यहाँ पर डॉक्यूमेंट देखिए वन लिखा है, ये क्या है सब टैब है, ये रिबन है, ये क्या है रूलर है, ये आपका क्या है स्क्रोल बार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेटस बार, ये जूम साइज है, और यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार, ये आपका फाइल का ऑप्शन है। तो आज हम बात करने वाले कंट्रोल ए से लेकर जेड तक का शॉर्टकट की यूज़ क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनी में या ऑफिस में ज़्यादातर यूज होता है। तो एकदम लास्ट तक एकदम आराम से देखिए, एकदम जीरो से बताएंगे आप लोग को। तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए हमने बात किया कंट्रोल, क्या बात करें कंट्रोल ए से लेकर। तो अगर हम सीरियल नंबर भी लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा भी है कितने होते हैं, तो यहाँ पर हम क्लिक कर दिए। यहाँ पर क्या करना है, कंट्रोल प्लस यहाँ पर हम लगा देते हैं, कंट्रोल प्लस देख लीजिए, कंट्रोल प्लस हमको पूरा करना है। कंट्रोल यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या करना है, थोड़ा स्पेस दे देते हैं। कंट्रोल से हमें क्या पहला नंबर है, कंट्रोल ए से क्या होता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर 26 लिख लेते हैं। कंट्रोल कंट्रोल बार बार लिखना होना तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए कंट्रोल हमने लिख दिया है। अब इसके बाद कंट्रोल सी कर लेंगे, यहाँ पर फिर इसके बाद इंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए कंट्रोल वी कर देंगे। तब जितनी बार कंट्रोल वी करेंगे तो यहाँ पर देखिए नंबर वाइज यहाँ पर आ रहा है, तो हम कितनी बार वी करेंगे तो कितने लेटर होते हैं 26। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 26 यहाँ पर हमने लिख के पेस्ट कर दिया। ओके, तो यहाँ पर इसको हम वो कर देते हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है, तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर वन कंट्रोल ए से क्या होता है, सभी को पता है ये सब क्योंकि आप चला रहे हैं कंप्यूटर, लेकिन आपको बता रहा हूँ कंट्रोल ए से क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंट्रोल ए से क्या होता है, आल सेलेक्ट। तो मैं यहाँ पर लिखते चलूँगा, आप लोग यहाँ से आप लोग लिख भी सकते हैं। देखिए कंट्रोल ए से क्या होता है, आल यहाँ पर हम सेलेक्ट, कंट्रोल ए से आल सेलेक्ट होता है, तो आप देख सकते हैं कंट्रोल ए से आल सेलेक्ट। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर एक नया पेज लेता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं नया पेज लेने के लिए आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर कंट्रोल इंटर कर देंगे। कंट्रोल इंटर करने के बाद यहाँ पर देखिए पेज ब्रेक हो जाता है, तो यहाँ पर आ गया। अब जैसे हमने यहाँ पर कुछ चाहते हैं लिखा हुआ आपको मिल जाए पैराग्राफ कुछ, तो यहाँ एमएस ऑफिस में यूज होता है इक्वल आर ए एन डी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोष्टक ओपन कोष्टक बंद करेंगे तो आपको लिखा लिखा पैराग्राफ मिल जाएगा। तो इंटर करने के बाद आप देखेंगे, देखिए आपको सामने पैराग्राफ आ गया। हम चाहते हैं पूरा सिलेक्ट हो जाए जितना हम लिखे हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहला क्या है कंट्रोल ए, तो यहाँ पर आप देख लेंगे सब पूरा का पूरा यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। ये देखिए ऊपर का भी, ये देखिए यहाँ पर भी, मतलब जितना भी पेज रहेगा पूरा आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको एक सेलेक्ट करना है एक पैराग्राफ, तो यहाँ पर तीन बार क्लिक कर देंगे, देखिए 1 2 3 एक तीन बार क्लिक करने से माउस के लेफ्ट बटन से ए सेलेक्ट हो गया। अगर सिर्फ आपको एक सेलेक्ट करना है माउस के लेफ्ट बटन से, आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कीबोर्ड से भी सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट को दबा के यहाँ पर प्रेस करके, तो यहाँ पर आप देखिए एरो बटन से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगला ऑप्शन आप चलिए बात करते हैं, तो बहुत इजी था कंट्रोल ए से क्या होता है, आल सेलेक्ट सभी को पता है। अब दूसरा नंबर कंट्रोल बी से क्या होता है, तो कंट्रोल बी से क्या होता है गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखते भी चल रहा हूँ, तो कंट्रोल बी से क्या होता है बोल्ड होता है। तो बोल्ड मीन्स क्या होता है, तो आप लोग नहीं जानते तो आप लिखते हुए चलेगा, बोल्ड मीन्स होता है गहरा, थोड़ा सा जो मैं ये लिखा हूँ ये क्या हो जाएगा बोल्ड हो जाएगा। जैसे देखिए हम चाहते हैं कि जो यहाँ पर मैं लिखा हूँ यहाँ से 26 यहाँ पर ये देखिए ये सिर्फ यही बोल्ड हो जाता है। यहाँ मैंने सेलेक्ट किया, देखिए यहाँ पर ऑप्शन भी आ जा रहा है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए लिखा बी, तो हम चाहते हैं बिना प्रेस करें कंट्रोल बी करेंगे, कंट्रोल बी। तो आपको ये प्रेस कैसे करना, कंट्रोल को दबा कर
फिर आपको ये बी प्रेस करना है, एक ही नहीं कंट्रोल दबाएं फिर प्लस दबाएं फिर बी दबाएं, कंट्रोल को दबा कर कंट्रोल को होल्ड करके फिर बी को आपको प्रेस करना, तो यहाँ पर आप देखेंगे बोल्ड हो गया। देखिए ये देखिए कम हो गया दिख रहा है, अब देखिए कंट्रोल बी करेंगे तो ये देखिए बोल्ड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा जूम करके आप लोग को दिखा दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये देखिए कंट्रोल बी, ये देखिए ठीक बोल्ड हो गया। अब आगे चलते हैं, तो तीसरा क्या है यहाँ पर सी, कंट्रोल सी से क्या होता है, तो हम यहाँ पर क्या होता है सी से कॉपी होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं लिखते भी चल रहा हूँ, कंट्रोल सी से होता कॉपी, कॉपी क्या होता है तो हम यहाँ पर अगर आपको मैं बता दूँ ए क्या है, चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ ऊपर, तो यहाँ पर हमने लिख दिया एम एस ऑफिस क्या ओपन करना है, एम एस ऑफिस वर्ड में यूज कर रहे हैं, एम एस ऑफिस वर्ड ए टू जेड क्या कर रहे हैं, ए टू जेड शॉर्ट कट कीज। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने लिख दिया, अब हम चाहते हैं यही दूसरे पेज पे हो जाए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, तो कंट्रोल ए नहीं करना आप लोग को, तो आपको क्या करना है कंट्रोल ए करेंगे तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, माउस की लेफ्ट बटन या शिफ्ट को दबाकर आप क्या करेंगे लेफ्ट एरो को क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये आपका ऑप्शन इतना ही सिलेक्ट होगा। जब सिलेक्ट हो जाएगा इसके बाद आपको क्या करना है, तो कंट्रोल सी करेंगे तो आपके सामने दिखेगा नहीं क्योंकि कॉपी हो गया, कॉपी मतलब क्या होता है नकल करना डुप्लीकेट करना, तो यहाँ पर कॉपी हो गया। अब आप कहाँ चाहते हैं इसको पेस्ट करना, हम चाहते हैं दूसरे वाले पेज पे, यहाँ पर पेस्ट कर दें, ये देखिए जो यहाँ पर मैं पैराग्राफ लाया था इक्वल एंड करके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कंट्रोल वी कर देंगे, कंट्रोल वी, तो आप यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कंट्रोल वी अभी आपको आगे मिलेगा, तो कंट्रोल सी से क्या होता है कॉपी और कंट्रोल वी से क्या होता है यहाँ पर पेस्ट, देख सकते हैं यहाँ पर मैं कर दिया पेस्ट। तो चलिए अगला ऑप्शन, यहाँ पर आप देखेंगे डी, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं सर डी से क्या होता है, तो डी से यहाँ पर दो तीन आप हर एप्लीकेशन में अलग अलग होता है, तो कंट्रोल डी से क्या होता है सबसे पहले जो ज़्यादा यूज होता है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या होता है फॉन्ट मीन्स क्या होता है, जैसे आप जो मैं ये लिखा हम चाहते हैं इसकी स्टाइल चेंज हो जाए, तो हम क्या करेंगे कंट्रोल डी करेंगे, तो आपके सामने देखिए ऑप्शन भी आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये देखिए फॉन्ट, यहाँ पर देखिए क्या ओपन है फॉन्ट, अगर हम एरोस करेंगे डाउन तो यहाँ पर आप देख सकते हैं देखिए हेडिंग्स आ गया है, फिर यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन चेंज हो रहा है देखिए, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, तो देखिए हम यहाँ पर कैसे चेंज होगा, तो पहले सबसे पहले कंट्रोल ए कर लेंगे, तो यहाँ पर हम इसको कैंसिल करते हैं, कंट्रोल ए से क्या होता है ऑल सेलेक्ट, अब कंट्रोल डी करेंगे तो आपके सामने देखिए यहाँ पर चेंज होगा, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे हमें कैसा ऑप्शन चाहिए तो ये देखिए एरियल ब्लैक यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर देखिए अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं, ए वाला ऑप्शन करना है देखिए यहाँ पर एम एस ऑफिस वर्ड ए टू जेड, अब यहाँ पर देखिए कैसा दिखेगा, ओके करते हैं, ये देखिए आपको फॉन्ट मतलब चेंज हो गया, तो कंट्रोल डी से क्या होता है फॉन्ट यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, आप लोग कमेंट भी करिएगा अच्छा लगता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंट्रोल क्या हो रहा है कंट्रोल डी से फॉन्ट चेंज हो रहा है, लेकिन कंट्रोल डी से क्या होता है ऑब्जेक्ट यहाँ पर कोई शेप से लेंगे तो उसको भी हम डुप्लीकेट कर सकते हैं, तो चलिए नीचे मैं आप लोग को बता देता हूँ, यहाँ पर आप देख लेंगे, तो यहाँ पर देखिए इंसर्ट में आएंगे, यहाँ पर शेप से या फोटो है किसी का, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे उसको डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, जैसे देखिए हमने यहाँ पर ये हम ले रहे हैं रेक्टेंगल का शेप, ये देखिए यहाँ पर है, तो इसको आप कलर करना है, तो जो एम एस ऑफिस चलाएंगे उनको पता होगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे तीन कलर करना है चार कलर करना है, तो यहाँ पर आके तो कर सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ ग्रेडियंट है, तो यहाँ पर आप कितना कलर करना चाहते हैं, पहला कलर कौन सा होता है फ्लैग में सभी लोग जानते हैं, तो यहाँ पर ऑरेंज हम कर लेते हैं ऑरेंज कलर, तो इसके बाद क्या होता है ये देखिए डिलीट करना, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है लेकिन कौन सा डिलीट करना है, तो यहाँ पर इसको हम यहाँ कोने में कर देते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा बता दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए इसको बीच में कौन सा होता है वाइट, यहाँ से हम वाइट कर लेते हैं, इसके बाद यहाँ पर कौन सा होता है ग्रीन, ठीक है, तो कौन सा है हो गया क्या बन गया फ्लैग कलर, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये देखिए, तो यहाँ से आप कलर बना भी सकते हैं, तो इसको हम ओके कर देते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपके सामने आ गया, अब इसको क्लोज करना तो आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं, तो आपके सामने देखिए सबसे हम चाहते हैं कि ये डबल हो जाए डुप्लीकेट हो करना है, तो कंट्रोल क्या करेंगे डी कर देंगे, इसके अंदर आप फोटो वोटो भी कर सकते हैं डाल सकते हैं, तो यहाँ पर फिल कर सकते हैं, देखिए कंट्रोल डी से क्या होगा डुप्लीकेट हो गया,
फिर से आपको देख सकते हैं कंट्रोल डी देखे टू लिखे, जितना चाहे आप उतना कर सकते हैं। ठीक, तो आगे चलते हैं। तो कंट्रोल डी से आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर एक्सेल में करेंगे कंट्रोल डी से क्या होता है, फिल होता है, फिल यहाँ पर ऑटो फिल कर लेंगे वहाँ, और पावर पॉइंट में क्या होता है तो वहाँ पर स्लाइड नया ले सकते हैं या तो आप सेव से डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो हम बात करें एम एस ऑफिस वर्ड की, तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बाद क्या है, तो इसके बाद आप देखेंगे कंट्रोल क्या आ रहा है, कंट्रोल ई आ रहा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कंट्रोल डी हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कंट्रोल ई से क्या होता है, तो चलिए कंट्रोल ई से क्या होता है, लिखते भी चल रहे हैं यहाँ पर। कंट्रोल ई से सेंटर होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पैराग्राफ में भी लिखा है क्या होता है, सेंटर। तो यहाँ पर हम देख लेंगे सेंटर, ठीक है, कंट्रोल ई से सेंटर होता है। आप सेंटर की बात कर रहे थे, क्या सेंटर होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फिर से ये देखिए, हम चाहते हैं इसको की जो लिखे हैं सेंटर में हो जाए, बीचों बीच हो जाए, तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं। तो कंट्रोल जब ई करेंगे सेंटर मतलब होता है बीचों बीच, देखिए बीचों बीच हो गया। अगर कंट्रोल एल करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंट्रोल एल से लेफ्ट होता है, कंट्रोल आर से क्या होता है, राइट होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो कंट्रोल ई से क्या होता है, सेंटर होता है। ठीक, अगला ऑप्शन देख सकते हैं, अगला ऑप्शन है क्या, यहाँ पर आप देख सकते हैं कंट्रोल ई के बाद क्या आता है, तो यहाँ पर आप क्या आता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंट्रोल ई के बाद क्या आता है, एफ। तो यहाँ पर हम देखेंगे ए बी सी डी ई एफ, एफ मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कंट्रोल एफ से क्या होता है, फाइंड होता है। अब फाइंड मीन्स क्या होता है, हिंदी खोजना, देखिए आपको हिंदी बता रहा है और प्लस इंग्लिश में क्या होता है वो भी बता रहा है। कंट्रोल एफ से क्या होता है, फाइंड, फाइंड मीन्स होता है खोजना। अब क्या खोजना है, तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे मैं यहाँ पर पैराग्राफ लाया हूँ, फिर से आप लोग को एक बार बता दो ये आता कैसे, कैसे आप लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम डिलीट कर दें, डिलीट बटन है, यहाँ पर डिलीट कर देंगे, इक्वल करेंगे, यहाँ पर इक्वल एंड करेंगे, देखिए आर ए एन डी कोष्टक ओपन कर देंगे। तो यहाँ पर इसके बाद क्या करना है, आप जितना पैराग्राफ चाहते हैं, हम चाहते हैं दो पैराग्राफ मिल जाए, दो लिखिए, टू लिखिए, कामा करिए, कितने लाइन करा है, दो लाइन का कोष्टक बंद कर दीजिए, इंटर करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन आ गया, तो यहाँ पर आप देखिए हमने लिखा था दो, यहाँ पर तीन, क्योंकि कंप्लीट नहीं इसीलिए दिखा रहा, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर दो पैराग्राफ है, हम इसको क्या करना चाहते हैं, कुछ खोजना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं, तो हमें क्या फाइंड करना, तो हम कंट्रोल एफ करेंगे, तो आपके सामने यहाँ पर देखिए नेविगेशन आ रहा है, नेविगेशन मतलब होता है वही फाइंड करना। तो यहाँ पर आप जो भी लिखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन शो करेगा, जैसे हम लिखना चाहते हैं डॉक्यूमेंट, देखिए डॉक्यूमेंट कहाँ का, देखिए डी लिखा हो तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आ गया डी कहाँ कहाँ पर है, डी ओ सी यू, देखिए यहाँ पर दिखा रहा है डॉक्यूमेंट यहाँ पर है। ठीक है, कंट्रोल डी से क्या, कंट्रोल एफ से क्या होता है, फाइंड करना। आगे चलते हैं, फाइंड मीन्स क्या होता है, खोजना, जो अभी आप लिखे होंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे जब आप छोटे थे या सिक्स या एट में पढ़ते थे तो आप एक खोजते थे, एक कहाँ कहाँ पर है, ऐसे आप यहाँ पर भी खोज सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अगला ऑप्शन क्या है, जी, तो यहाँ पर जी क्या होता है, तो यहाँ पर जी मीन्स होता है कंट्रोल जी से क्या होता है, गो टू, गो टू का मतलब क्या होता है, गो के साथ हमेशा टू लगता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो कंट्रोल जी से क्या होता है, गो टू, गो टू का मतलब होता है आप कहाँ जाना चाहते हैं, पेज वेब पे जाना चाहते हैं, कितना पेज आपके पास, 10 पेज है, आप पाँचवें पेज पे जाना चाहते हैं या दूसरे पेज पे जाना चाहते हैं, कंट्रोल जी के माध्यम से जा सकते हैं। अगर आप लाइन पर जाना चाहते हैं, मतलब कितनी लाइन आप लिखे हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 26, 27 या जो भी हमने यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर देखिए हम चाहते हैं 10वें पे आ जाए, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल जी कर देंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, कंट्रोल जी से क्या होता है, गो टू होता है। तो कंट्रोल जी से होता है गो टू, लेकिन आप पेज यहाँ पर देखिए पेज है, पेज पर जाना चाहते हैं पेज पर आ जाइए, लाइन पर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर लाइन पर आ सकते हैं। तो ठीक है, तो हमें पेज पे जाना है, तो हम यहाँ पर किस पेज पे जाना चाहते हैं, हमारे पास कितने पेज हैं, यहाँ पर देख सकते हैं स्टेटस बार पे, पेज नंबर 1, यहाँ पर देखिए 3 दिखा रहा, तो जब 3 है तो हम चाहते हैं 2 पे चले जाए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 और कर देंगे गो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरे पेज, मतलब दूसरे पेज पर आ गए, तो यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, अगर आप चाहते हैं लाइन पर यहाँ पर आएँ, किस लाइन पर आप जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम चाहते हैं पाँचवें लाइन पर आ जाएँ, गो कर दें, तो यहाँ पर जहाँ पर 5 हो गए, देखिए यहाँ पर कहीं यहाँ पर 3 लिखा है, लेकिन कैसे, तो यहाँ पर आप दिखा देते, देखिए 1 2 3 कितने 3 4 5,
ठीक है। तो जहाँ पर आप जाना चाहते हैं, पेज पे जाना चाहते हैं, पेज पे लाइन पे जाना चाहते हैं, लाइन पे कंट्रोल जी करो, गो टू ओपन हो जाएगा डायलॉग बॉक्स। यहाँ पर आप लिख सकते हैं जहाँ पर आप जाना चाहते हैं, जैसे आपके पास 10 पेज है या 100 पेज है, आप 50वें पेज पे जाना चाहते हैं तो यहाँ पर पेज सेलेक्ट करिए, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 50, नेक्स्ट करेंगे, गो करेंगे तो आपको आ जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर कंट्रोल जी के बाद क्या आता है, तो आप अगर वीडियो देख रहे हैं अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग को कुछ सीखने को मिलता है। तो इसके बाद क्या है, कंट्रोल एच। तो कंट्रोल एच से क्या करता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंट्रोल एच से क्या होता है, रीप्लेस। आप नाम सुनेंगे, जब भी री लग जाता है उसका काम करता है पुनः काम करना, जैसे रिचार्ज, रिफ्रेश एंड री, और क्या होता है, रिफ्रेश, रिचार्ज, रीनेम, आप ऐसे बहुत सारा नाम सुनेंगे। तो री का मतलब होता है रिसाइज, तो इसका मतलब होता है पुनः काम करना। जैसे हम चाहते हैं कि यहाँ पर मैंने लिखा क्या है, एमएस ऑफिस, क्या बता रहा हूँ, वर्ड बता रहा हूँ, एमएस ऑफिस वर्ड में, तो हम चाहते हैं यहाँ पर एक्सेल हो जाए जहाँ पर हमने वर्ड लिखा है, तो क्या करेंगे, कंट्रोल एच करेंगे। तो कंट्रोल एच से क्या होता है, रिप्लेस। कंट्रोल एच करने के बाद यहाँ पर नाम बदल सकते हैं, जैसे आप मूवी देखेंगे आमिर खान की, मतलब 3D में, तो वहाँ पर आप देखे होंगे ऑफिस में जाकर बदल लेता है, नाम नहीं बताऊँगा क्या बदलता है, आप लोग समझ गए होंगे देखे होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम चाहते हैं कि वर्ड की जगह पर यहाँ करें फाइंड वर्ड, क्या बदलना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं जो वर्ड लिखा है एमएस ऑफिस वर्ड, वर्ड की जगह पर क्या हो जाए, एक्सेल हो जाए। तो यहाँ पर देखिए रिप्लेस में लिखेंगे एक्सेल, तो यहाँ पर एक्सेल हम लिख लेंगे, एक्सेल कर देंगे। तो यहाँ पर रिप्लेस आल करना है तो आल कर सकते हैं, देखिए रिप्लेस आल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो क्या हो गया, एमएस वर्ड की जगह पर एमएस ऑफिस एक्सेल आ गया। अब इसको सही करना, तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा, जहाँ पर एक्सेल है आप क्या करेंगे वहाँ पर वर्ड लिख देंगे। देखिए यहाँ पर एक्सेल है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले फाइंड वर्ड हमको क्या करना है, एक्सेल लिखना है, EXCEL, एक्सेल हो गया। अब एक्सेल स्पेलिंग सही होनी चाहिए, एक्सेल की जगह पर हम रिप्लेस की जगह पर हम क्या करेंगे, वर्ड कर देंगे, यहाँ पर रिप्लेस आल कर देंगे। देखिए आपका पहले जैसा हो गया। तो अगर ये सब आपको आता है तो आप ऑफिस में काम कर सकते हैं और घंटों को काम सेकंडों में कर सकते हैं। तो अगला ऑप्शन यहाँ पर आप देखेंगे कंट्रोल आई, ठीक है। तो कंट्रोल आई से क्या होता है गाइस, इटैलिक। यहाँ पर देखिए मैं लिखते भी चल रहा हूँ, आप लोग को दिक्कत ना हो, और रफ ऑफ पेन लेके बैठिएगा। इटैलिक, इटैलिक मीन्स क्या होता है, इटैलिक, ठीक है। इटैलिक मीन्स क्या होता है, तिरछा, हिंदी भी मैं बता रहा हूँ, इटैलिक मीन्स होता है तिरछा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर जो लिखा इतना हम क्या करना चाहते हैं, तिरछा करना चाहते हैं, सेलेक्ट किया। अब कंट्रोल क्या करेंगे आई, कंट्रोल आई से क्या होता है, यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा तिरछा हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं बस इसका यूज यही होता है, कंट्रोल आई से इटैलिक होता है, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके बाद अगला देखेंगे, यहाँ पर अगला ऑप्शन क्या है, यहाँ कंट्रोल जे है, कंट्रोल जे से क्या होता है, जस्टिफाई। यहाँ पर आप देख लेंगे कंट्रोल जे से क्या होता है, जस्टिफाई। तो जस्टिफाई मीन्स क्या होता है, जस्टी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जस्टिफाई। जस्टिफाई मीन्स क्या होता है, यहाँ पर जैसे जो पैराग्राफ है इसको क्या कर देते हैं, प्रॉपर कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं दोनों साइड का, ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक साइड का, लेफ्ट साइड का प्रॉपर है, ये भी आपका प्रॉपर हो जाता है एकदम दोनों साइड से प्रॉपर। तो कंट्रोल जे करके यहाँ पर कर देंगे, देखिए ये जस्टिफाई हो गया, मतलब लेफ्ट का भी और राइट का भी दोनों प्रॉपर हो गया। कंट्रोल ई कर देंगे, जैसे कंट्रोल अगर मैं ये चाहता हूँ बीच में आ जाए, कंट्रोल ई से क्या करेंगे, सेंटर कर देंगे, ठीक। कंट्रोल एल से क्या कर देंगे, लेफ्ट हो गया। कंट्रोल आर से कर देंगे राइट। लेकिन जब हम कंट्रोल जे करेंगे तो जस्टिफाई हो जाएगा पूरा आप सेलेक्ट करके, तो यहाँ पर ये आपको आना चाहिए। अगला ऑप्शन, तो कंट्रोल जे के बाद क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंट्रोल जे के बाद यहाँ पर ऑप्शन क्या है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए लिखते हुए चल रहा हूँ, यहाँ पर कंट्रोल जे के बाद है कंट्रोल के, ये ज़्यादातर यूज होता है कंट्रोल के, अब बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं। कंट्रोल के से क्या होता है गाइस, हाइपर लिंक। देखिए लिखते भी चलिए और आप समझते चलिए, हाइपर लिंक, यहाँ पर मैं लिख दिया। हाइपर लिंक का मतलब क्या होता है, हाइपर मतलब क्या होता है, ज़्यादा नहीं कहते हैं, बहुत हाइपर हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। हाइपर का मतलब होता है बड़ी फाइल, मतलब बड़ा कोई बड़ा टेक्स्ट हो, तो यहाँ पर बड़े टेक्स्ट को, बड़ी फाइल को हम क्या करें, एक लिंक मतलब दे, जैसे आप लोग कभी कभी मैं वीडियो भेजता हूँ अपना लिंक मतलब ट्रांसफ़र करता हूँ आप लोग को सेंड करता हूँ, तो आप लोग भी लगा देते हैं स्टेटस पे,
तो उस पर आप क्लिक करते हैं तो उसमें आपको 1 घंटा का वीडियो, 2 घंटा का वीडियो आपको मिलता है। जैसे एक्सेल का वीडियो मैं एक ही वीडियो में पूरा आप लोग को बता दिया हूँ, 1 से लेके 20 फार्मूला, आप अगर उसको कर लेंगे तो पूरा आप एडवांस में सीख सकते हैं बढ़िया से एक्सेल। तो हमने लिंक भेजा था, तो आप यहाँ पर हम चाहते हैं कि जो मैं लिख रहा हूँ एक ही मतलब एक ही नाम पर एक ही शब्द में हम बना सकें। जैसे देखिए अभी समझ में नहीं आ रहा, तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, देखिए नीचे जैसे यहाँ पर देखिए क्या करना है, तो यहाँ पर इसका काम नहीं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। देखिए क्लिक करिए डिलीट ऑप्शन, क्लिक करिए डिलीट ऑप्शन, हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि तो यहाँ पर आदित्य के नाम से हम यहाँ पर लिंक बना दें। देखिए आदित्य, ये देखिए आदित्य हमने लिख दिया, हम चाहते हैं इस पर क्लिक करें, अभी तो लिंक नहीं बना, अभी देखिए ब्लैक है, हम चाहते हैं इस पर क्लिक हो तो वीडियो ओपन हो जाए, इस पर क्लिक हो तो यूट्यूब ओपन हो जाए, इस पर क्लिक हो तो जो भी आप ओपन करना चाहते हैं फ़ोटो या कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ से ओपन हो जाए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के से क्या होता है हाइपरलिंक, कोई भी बड़ी फाइल को आप यहाँ पर ओपन कर सकते हैं, खोजना ना पड़े आपको। हम क्या कंट्रोल के करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा कि कंट्रोल के कर रहे हैं तो ठीक है कहाँ पर आपका फाइल है, कहाँ पर डॉक्यूमेंट है, कहाँ पर आपका एड्रेस है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि लिंक टू, यहाँ पर किस में करना, तो यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट एक्सेल ओपन करना है या फोटो ओपन करना, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करके यहाँ से ओपन कर सकते हैं। देखिए फ़ोटो करना फ़ोटो हो जाएगा और डॉक्यूमेंट करना डॉक्यूमेंट। तो हमारे सामने यहाँ पर देखिए अमन के नाम से क्या है, एक यहाँ पर एक्सेल का बना है फाइल, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ओके कर देंगे। जब ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा कैसा होगा, ब्लू हो गया। जब ब्लू हो गया तो ये लिंक बन चुका है हाइपर लिंक। अब जब इस पर ले जाएंगे तो यहाँ पर कह रहा है कि कंट्रोल के साथ क्लिक करो फॉलो लिंक, तो हम कंट्रोल को होल्ड करेंगे, यहाँ पर प्रेस करेंगे। देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन मतलब एक्सेल ओपन हो जाएगा जो यहाँ पर बनाए रहेंगे अमन, तो यस कर देंगे। यहाँ पर देखिए आपके सामने एक्सेल ओपन हो गया, तो यहाँ पर लिखा है फार्मूला फॉर सम, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अमन यहाँ पर एप्पल खरीदे हैं कितने का, 400 रुपये का, और मैंगो लिए हैं 600 रुपये, टोटल कितना हो गया 1000। तो ये आप समझ सकते हैं हमने क्या लगा हाइपर लिंक। तो यहाँ चलिए क्लोज कर देते हैं, तो हाइपर लिंक समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार फिर से बताते हैं, जैसे हम चाहते हैं कोई फ़ोटो ओपन कर लें पिक, तो यहाँ पर हम चाहे DP लिखें, चाहे पिक लिखें, चाहे फ़ोटो लिखें, हमने लिख दिया। अभी देखिए इस पर नहीं कुछ है, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले, फिर इसके बाद कंट्रोल के करेंगे। कंट्रोल के करने के बाद हम चाहते हैं फ़ोटो आ जाए, तो यहाँ पर देखिए लुक इन यहाँ पर आएंगे, डॉक्यूमेंट अभी ओपन है, हम चाहते हैं फ़ोटो ओपन हो जाए, तो यहाँ पर फ़ोटो क्लिक करेंगे, अमन का फ़ोटो देखिए फिर अमन है यहाँ पर, तो ओके कर देंगे। तो यहाँ पर अमन का देखिए ब्लू आ गया, तो कंट्रोल के साथ हम क्या क्लिक करेंगे, देखिए कंट्रोल यहाँ पर देखिए जब इस पर ले जाएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन दे गए कंट्रोल क्लिक टू फॉलो लिंक, कंट्रोल को दबा के यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यस कर देंगे, देखिए यहाँ पर फोटो आ जाएगा। तो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक करना ना भूलें। तो यहाँ पर देखिए अमन का फ़ोटो आ गया, जो भी आप ओपन करना चाहते हैं यहाँ MS ऑफिस में आप हाइपर लिंक के माध्यम से ओपन कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। अब अगला ऑप्शन क्या है, कंट्रोल K के बाद क्या आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कंट्रोल K के बाद क्या है यहाँ पर, तो कंट्रोल K के बाद क्या है L, कंट्रोल L से क्या होता है, तो अभी तो मैं बताया था तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। कंट्रोल F से क्या होता है लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड टेक्स्ट होता है लेफ्ट इंडेंट, तो चलिए लेफ्ट हम लिख देते हैं। इसके बाद है आप करके बता देते हैं, भूल गए हैं तो जैसे देखिए यहाँ पर बताते चल रहे हैं आपको दिक्कत ना, शुरू से देखिए यहाँ पर है, हम चाहते हैं ये क्या है सेंटर में, अब हम इसको लेफ्ट करना, लेफ्ट किधर है आप लोग अपना देख लीजिए, कंट्रोल L करेंगे तो यहाँ पर देखिए कंट्रोल L से लेफ्ट आ गया। ठीक, आगे चलते हैं, कंट्रोल L के बाद क्या आता है, तो यहाँ पर आप देख लेंगे, चलिए लेफ्ट लिख दिया हूँ, कंट्रोल L के बाद क्या है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कंट्रोल M, तो M प्रेस कर रहे हैं, M से क्या होता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे M से क्या होता है मूव इंडेंट। अब मूव इंडेंट क्या होता है यहाँ पर आप देख लेंगे मूव, चलिए इंडेंट भी लिख देता हूँ इंडेंट, जिस जो आप लिखेंगे क्या होता है मूव होता है इंडेंट, यहाँ पर आप देखेंगे ए इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज यहाँ पर लिखा रहता है, तो यहाँ पर आप कह देंगे मूव इंडेंट, या तो आप कह सकते हैं इंक्रीज, ठीक है इंक्रीज इंडेंट मूव आप कह सकते हैं, या तो इंक्रीज इंडेंट कह सकते हैं। यहाँ पर हम देखिए बता रहे हैं कंट्रोल ए कर लेते हैं, कंट्रोल ए से होता है ऑल सेलेक्ट, फिर क्या करेंगे कंट्रोल एम करेंगे, आपके सामने देखिए हो रहा है, देखिए मूव हो रहा आगे जा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या रहा इंक्रीज इंडेंट हो रहा है। डिक्रीज करना तो आप क्या करते हैं कंट्रोल की क्यू करिए,
क्यू से क्या होता है तो आगे भी बताएंगे, क्लियर इंडेंट हो जाएगा। देखिए जैसे पहले था, हमको क्या करना, कंट्रोल जेड करेंगे, लेकिन वो आपका टेक्स्ट भी हो जा रहा है। हमको क्या करना है, यहाँ पर साइज यहाँ पर छोटा कर लेते हैं। अब आपको क्या करना था, कंट्रोल जेड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो आपका मतलब पहले हमने कंट्रोल एम किया था, तो यहाँ पर आपका पहले जैसा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंट्रोल एम से क्या होता है, यहाँ पर मूव इंडेंट यहाँ पर कर सकते हैं, या तो आप लिख सकते हैं इंक्रीज। चलिए मूव हम यहाँ पर दोनों लिख देते हैं, मूव या तो आप लिख सकते हैं क्या, ये वाला लगा देते हैं मूव, या तो इंक्रीज इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज इंडेंट इंडेंट, नीचे इंक्रीज इंडेंट, ठीक है, इसको छोटा हम कर देते हैं, कंट्रोल ए यहाँ पर, ठीक है। तब स्क्रीनशॉट भी लेते चलेंगे। अब अगला ऑप्शन क्या है, कंट्रोल एम के बाद क्या आता है, एन, तो यहाँ पर आप देख लेंगे कंट्रोल एन से सभी लोग जानते हैं, कंट्रोल एन से होता है न्यू पेज। न्यू पेज मतलब सभी लोग जानते हैं, न्यू पेज नया पेज आप ले सकते हैं, कंट्रोल एन करेंगे तो आपका ये जो सेव किए रहेंगे नया एक पेज ले सकते हैं, उस पर लिख सकते हैं। अगला ऑप्शन है कंट्रोल एन के बाद क्या आता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंट्रोल एन के बाद क्या है, ओ है। कंट्रोल ओ से क्या होता है, ये भी आप लोग को पता होगा अगर आप चलाएं नोट पैड, तो यहाँ पर नहीं तो इंटरव्यू वाला वीडियो आप लोग देखते रहेंगे तो वहाँ पर आपको पता चलता रहेगा। कंट्रोल ओ से क्या होता है, ओपन, आपको ओपन कर लेंगे। अभी जैसे यहाँ पर ओ के बाद क्या आता है, तो यहाँ पर पी है। कंट्रोल पी से क्या होता है, प्रिंट, यहाँ पर प्रिंट, इसको आप प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद कंट्रोल क्यू से क्या होता है, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे कंट्रोल क्यू से क्या होता है, क्लियर इंडेंट, या तो आप जो यहाँ पर लिखेंगे कंट्रोल क्यू से क्या होता है, इनवर्स आप बोल सकते हैं, या तो आप बोल सकते हैं क्लियर इंडेंट, क्लियर इंडेंट, क्लियर इंडेंट, या तो आप बोल सकते हैं इनवर्स। इनवर्स मतलब क्या होता है, पीछे, इनवर्स इनवर्स, ठीक है, इंडेंट। इसके बाद क्या है, क्यू के बाद क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आर, कंट्रोल आर से क्या होता है, ये सब मैं बता चुका हूँ। कंट्रोल आर से क्या होता है, राइट साइड टेक्स्ट को कर सकते हैं राइट यहाँ पर। अब देखिए कंट्रोल एस से क्या होता है, इसके बाद अभी फिर से रिवीजन कर दे रहे हैं आप लोग का। कंट्रोल एस से क्या होता है, शेव, खाने वाला नहीं, सेव, सेव मिस होता है, जो भी आप लिखें इसको सुरक्षित आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट वन है, हम चाहते हैं यहाँ पर हम सेव कर दें, तो सेव कैसे होगा, कंट्रोल यस करेंगे। कंट्रोल जब यस करेंगे तो यहाँ पर पूछेगा कहाँ पर आप सेव करना चाहते हैं, तो देखिए सेव तो हम कहाँ पर करना चाहते हैं, यहाँ पर डेस्कटॉप पर, तो डेस्कटॉप पर क्लिक करिए जहाँ पर आप सेव करना चाहते हैं। अब क्या नाम लिखना चाहते हैं, फाइल का क्या नाम लिखना चाहते हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम क्या है, विशाल सर कंप्यूटर, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं विशाल सर, ठीक है। तो क्या है ये, ए टू जेड शॉर्टकट की है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया ए टू जेड, जो भी आपको लिखना है तो यहाँ पर हमने लिख दिया ए टू जेड, सेव कर देंगे, यहाँ पर इंटर कर देंगे। देखिए यहाँ पर आप दिखने लगा डॉक्यूमेंट पर क्या, विशाल सर ए टू जेड यहाँ पर दिखा रहा है। अब इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि कंट्रोल एन करें, तो कंट्रोल यहाँ पर शुरू से बता रहे हैं, देखिए मूव बता चुका था, कंट्रोल एन से क्या होता है, न्यू होता है, तो न्यू करेंगे तो नया पेज आ जाएगा, देखिए नया पेज आ गया, लेकिन जो लिखे तो डिलीट हो गया क्या, नहीं, वो क्या है, एक जगह सेव है, कहाँ पर, डेस्कटॉप पर। उसको ओपन करना है तो कंट्रोल ओ से क्या होता है, ओपन, तो कंट्रोल जब आप ओ करेंगे तो आपके सामने ओपन होगा, तो यहाँ पर देखिए दिखा रहा है डेस्कटॉप पर विशाल सर ए टू जेड, यहाँ पर जो लिखे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा, इस पर क्लिक करिए, देखिए आपका आ गया। अब इसके बाद क्या था, न्यू हो गया, ओपन हो गया, प्रिंट करना चाहते हैं हम इसको पूरा, तो यहाँ पर कंट्रोल पी करेंगे, कंट्रोल पी से क्या होता है, प्रिंट, जब प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछेगा कितनी कॉपी चाहिए, प्रिंटर का नाम क्या है, और आप यहाँ पर जो भी ए फोर पेपर है क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पर एक वीडियो और बना देंगे, तो अभी समझिए नॉर्मली कंट्रोल पी से क्या होता है, प्रिंट, आप कैसे प्रिंट करेंगे, ओके, स्किप कर देंगे। अब अगला ऑप्शन यहाँ पर आप देखेंगे तो कंट्रोल क्यू, तो बता दिया क्लियर इंडेंट, एक बार फिर से बता देना चाहूँगा आप लोग को, तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर कंट्रोल ए की है, कंट्रोल ए करने के बाद कंट्रोल जब एम करेंगे, देखिए मूव हो रहा है, अब जब कंट्रोल क्यू करेंगे तो ये देखिए क्लियर इंडेंट हो गया, सब कुछ यहाँ पर चला गया है यहाँ पर, ठीक, ये देखिए क्लियर इंडेंट, हम कंट्रोल जेड कर देते हैं तो यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद हमको क्या करना, कंट्रोल क्यू के बाद क्या, आर,
आर से क्या होता है लेफ्ट, तो कंट्रोल एल कर देंगे, देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड आ जाएगा ये सब कंट्रोल एल से, जैसे हमने राइट कर दिया ये देखिए राइट हो गया, कंट्रोल आर से लेफ्ट, कंट्रोल ई से सेंटर और कंट्रोल जे से जस्टिफाई। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अगला ऑप्शन यहाँ पर क्या है, तो चलिए कंट्रोल यस, कंट्रोल यस से सेव मैं करके बता दिया। अब इसके बाद क्या है कंट्रोल टी, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कंट्रोल टी, इसमें भी बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो कंट्रोल टी से क्या होता है हैंगिंग इंडेंट, क्या होता है हैंगिंग इंडेंट मीन्स क्या होता है, तो आप लोग यहाँ पर देखें हैंगिंग इंडेंट, तो यहाँ पर देखिए हम थोड़ा सा फिक्स कर देते हैं, आप लोग लिखते भी चलिए इंडेंट इंडेंट। तो यहाँ पर कंट्रोल टी से क्या होता है हैंगिंग इंडेंट, यहाँ पर क्या होता है हैंगिंग इंडेंट, आइए चलिए यहाँ पर बात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए पैराग्राफ है, जब इसको आप सेलेक्ट करेंगे फिर से हम अगर आपको शुरू से लेकर नया बताते हैं तो कैसे पैराग्राफ लाएंगे, इक्वल करेंगे आर ए एन डी करेंगे, कोष्ठक ओपन करेंगे, कोष्ठक बंद करेंगे, इंटर, यहाँ पर पैराग्राफ आ गया। तो यहाँ पर पैराग्राफ की पहली हेडिंग क्या होती है हैंग हो जाती है, मतलब क्या होता है ये पहली हेडिंग है लॉक हो जाएगी, इसके बाद जो टेक्स्ट हैं सब क्या होंगे इंक्रीज होंगे। देखिए कंट्रोल जब टी करेंगे तो पहली हेडिंग पैराग्राफ की क्या होगी लॉक होगी, देखिए यहाँ पर देखिए ये वाला आपका लॉक हो गया, ए 1 2 3 4 5 ये लॉक हो गया, इसके बाद कंट्रोल टी कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, तो इसका नाम क्या है हैंगिंग इंडेंट, मतलब पहला क्या हो जाएगा मतलब लाइन आपका यहाँ पर पैराग्राफ का लॉक हो जाएगा, इसके बाद आप मूव कर सकते हैं इंक्रीज कर सकते हैं। तो कंट्रोल टी का मतलब क्या होता है हैंगिंग इंडेंट। चलिए आगे चलते हैं, तो आप लोग को कैसा समझ में आ रहा है आप लोग कमेंट भी करते रहेंगे। अगला ऑप्शन देखिए यहाँ पर क्या है, बस कुछ और टाइम लगेगा फिर इसके बाद ख़त्म हो जाएगा। कंट्रोल यहाँ पर टी के बाद क्या होता है, कंट्रोल टी के बाद क्या होता है, तो यहाँ पर आप देख देंगे कंट्रोल टी के बाद यू, तो यू से क्या होता है अंडर लाइन, यहाँ पर मैं लिखते भी चल रहा हूँ अंडर, अंडर मीन्स क्या होता है यहाँ पर आप देखिए नीचे यहाँ पर अंडर लाइन, तो यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया अंडर लाइन, तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि इसके नीचे क्या हो जाए लाइन हो जाए जितना हमने लिखा है, तो हम यहाँ पर देखिए आपको फिर से यहाँ पर बताना चाहेंगे, इसको हम सेलेक्ट करेंगे तो इसके नीचे में क्या चाहिए अंडर लाइन, तो कंट्रोल यू कर देंगे, देखिए यहाँ पर है हम क्या करेंगे कंट्रोल जब यू करेंगे तो आप देखिए जो भी लिखे हैं सबके नीचे क्या आ गया अंडर लाइन आ गया। अगर आपको डबल अंडर लाइन चाहिए तो कंट्रोल डी करेंगे डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, देखिए जैसे कंट्रोल डी से फॉन्ट ओपन होता है, लेकिन फॉन्ट ओपन होगा फॉन्ट बदल सकते हैं, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अंडरलाइन ऑप्शन दिया है, यहाँ से आप डबल क्लिक मतलब डबल अंडरलाइन ला सकते हैं, ओके कर देंगे, देखिए डबल अंडरलाइन आ गया, नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर मैं जूम करके बता दे रहा हूँ, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं ठीक ओके। तो अगला ऑप्शन क्या है कंट्रोल यू के बाद क्या है कंट्रोल वी है, तो कंट्रोल वी से क्या होता है आपको बता ही दिया था पहले फिर से बता देना, कंट्रोल वी से क्या होता है पेस्ट होता है, पेस्ट मतलब चिपकाना डुप्लीकेट करना, तो यहाँ पर पेस्ट होता है, फिर से बता दूँ अगर आप देखना चाहते हैं तो फिर से एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले पेस्ट क्या करेंगे जब आप इसको कॉपी करेंगे, हम चाहते हैं यहाँ पर अंडरलाइन है चलिए इसको हम अंडरलाइन भी लगा देते हैं, सेलेक्ट करके यहाँ पर क्या करेंगे अंडरलाइन है तो अंडरलाइन लगा देते हैं, कंट्रोल यू कर दिए देखिए अंडरलाइन हो गया। हम चाहते हैं ए वाला ऑप्शन जितना है अंडरलाइन वाला है इसको सेलेक्ट करें, इसको पेस्ट कॉपी करके पेस्ट करना चाहते हैं, सेलेक्ट हुआ कंट्रोल सी करेंगे इसको आप पेस्ट करना, कहाँ पर आप चाहते हैं पेस्ट करना, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर देखिए खाली है यहाँ पर हम क्या करेंगे कंट्रोल वी कर देंगे, कंट्रोल वी से क्या होता है पेस्ट, अब मल्टीपल पेस्ट कर सकते हैं ठीक, देखिए इंटर करिए पेस्ट करिए इंटर करिए पेस्ट करिए या तो बिना इंटर करिए पेस्ट कर सकते हैं ओके। आगे चलते हैं तो पेस्ट के कंट्रोल वी से हो गया पेस्ट, इसके बाद क्या है आप यहाँ पर देख सकते हैं डब्लू, अब यहाँ पर डब्लू से क्या होता है लिख लीजिए, इसमें भी बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, कंट्रोल डब्ल्यू से क्या होता है क्लोज डॉक्यूमेंट, क्या होता है क्लोज डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट, यहाँ पर लिख लेंगे क्लोज डॉक्यूमेंट, क्लोज डॉक्यूमेंट्स क्या होता है जिसे आप यहाँ पर देखेंगे इसको हम बंद करना चाहते हैं जो लिखे हैं सब कुछ इसको बंद करना चाहते हैं ना कि आप एम एस ऑफिस वर्ड को, तो यहाँ पर मैं इसको बंद करना चाहता हूँ हम क्या करेंगे कंट्रोल डब्ल्यू करेंगे, तो आप देखेंगे आपके सामने कंट्रोल डब्ल्यू से क्या हो रहा है, देखिए कंट्रोल डब्ल्यू जो मैं लिखा था पूरा बंद हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं देखिए डॉक्यूमेंट हुआ गया, अब इसको भी बंद करना कंट्रोल डब्ल्यू करिए देखिए बंद हो गया, ये देखिए आपका ये ब्लैंक हो गया मतलब दिख ही नहीं रहा कुछ, अब ओपन करना है तो क्या करेंगे कंट्रोल ओ, कंट्रोल ओ से क्या होता है ओपन होता है कंट्रोल ओ करिए, कहाँ पर सेव है विशाल सर यहाँ पर ए टू जेड यहाँ पर क्लिक करेंगे देखिए आ गया ठीक है,
अगला ऑप्शन क्या है, तो आप समझ गए कंट्रोल डब्ल्यू से क्या हो रहा है, क्लोज डॉक्यूमेंट हो रहा है। अगला ऑप्शन क्या है, कंट्रोल एक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देख लीजिए कंट्रोल एक्स से क्या होता है, कट। कट क्या होता है, तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि जो हम यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पर देखिए एम एस ऑफिस वर्ड, हम चाहते हैं यहाँ पर ना रहे, नीचे रहे, यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट कैसे करेंगे आप, यहाँ पर तीन बार क्लिक करिए, देखिए एक दो तीन, ऐसे भी आपका सेलेक्ट हो जाता है, देखिए एक दो तीन हो गया। अब इसके बाद कंट्रोल एक्स करेंगे तो यहाँ पर एक कट जाएगा, कट तो गया, एक जगह से काट कर दूसरी जगह आप पेस्ट कर सकते हैं, जैसे हम चाहते हैं यहाँ पर पेस्ट हो जाए, देखिए यहाँ पर 27 हो गया, कंट्रोल वी कर देंगे, कंट्रोल वी से बताया हूँ अभी पेस्ट करना, तो यहाँ पर देखिए पेस्ट हो गया, ठीक। तो कंट्रोल एक्स से क्या होता है, तो यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। इसके बाद क्या है, कंट्रोल वाई है, अब यहाँ पर देखिए लास्ट दो ऑप्शन और बचा है, कंट्रोल वाई से क्या होता है, तो कंट्रोल वाई से क्या होता है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं रीडू, लिख नहीं सकते हैं, होता है कंट्रोल वाई से क्या होता है रीडू, और कंट्रोल जेड से क्या होता है अंडू, ठीक है अंडू, अंडू रीडू अंडू, तो ये क्या होता है, चलिए यहाँ पर बता देते हैं, जैसे आप यहाँ पर कुछ लिखे हैं, कंट्रोल वाई से क्या है, यहाँ पर आप देखिए कुछ लिखे हैं, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर एम एस का फुल फॉर्म क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट, जैसे मैं वहाँ पर लिखा हूँ एम एस का फुल फॉर्म क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है दिख नहीं रहा, इसको बड़ा कर देते हैं, बड़ा कैसे करते हैं, सेलेक्ट करिए कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, यहाँ से आप करेंगे तो आपके सामने देखिए यहाँ से बढ़ गया, तो यहाँ पर एम एस का फुल फॉर्म क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट, हम क्या करना, हमने लिख दिया, अब कंट्रोल जेड कर देंगे, ये देखिए जो लिखा था ये देखिए रिटर्न हो गया, ये देखिए अंडू हो गया, जो जो हमने काम किया, अब इसको वापस लाना है, डिलीट हो गया या चला गया, तो कंट्रोल वाई कर देंगे, देखिए जैसे था सेम वैसे आ जाएगा, ठीक समझ गए होंगे आप लोग। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग देख सकते हैं हमने पूरा बता दिया कंट्रोल ए से लेकर जेड तक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंट्रोल ए से लेकर जेड तक, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है ये देखिए यहाँ पर ए इसके बाद यहाँ से पूरा बता दिया। तो आज के लिए बस इतना ही, तो आप लोगों के लिए एक सवाल है, तो यहाँ पर आप देखें कंट्रोल ए से लेकर जेड तक, तो बताइए एम एस जो हमने बताया एम एस का फुल फॉर्म क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट, अब माइक्रोसॉफ्ट क्या है यहाँ पर, तो आप लोग कमेंट करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, और जो भी आपको वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट करिए।